हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मधुरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, आपको जर्मनी में स्टडी करना है तो किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जर्मनी की एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा बताती हूँ। सबसे पहले होता है इंटेक। जैसे अदर कंट्रीज के अंदर 3 इंटेक होती है, यहाँ पे सिर्फ 2 इंटेक होती है, एक समर की और एक विंटर की। दो ही इंटेक के अंदर आप जर्मनी जा सकते हो, बाकी कंट्रीज की जैसा नहीं है। ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, कोई भी कंट्री के अंदर आप जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट इन जर्मनी आपके पास 3 टाइप की कॉलेजेस होती है। सबसे पहली होती है इंजीनियरिंग, दूसरी होती है आपकी साइंस कॉलेज, एंड थर्ड वन होती है आर्ट्स एंड म्यूजिक कॉलेज। तो अब हम पूरी स्टडी का प्रोसेस डिटेल में समझते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको जर्मनी के बारे में सबसे पहले पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बता दी। अब हम वन बाय वन उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले होती है इंजीनियरिंग कॉलेज। इंजीनियरिंग कॉलेज होती है रेगुलर कॉलेजेस की तरह, आपको थियोरी पे पढ़ाई जाती है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल रहता है। दूसरा होता है साइंस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। साइंस यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर थर्रली आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाता है, ताकि अगर आपको फील्ड पर नॉलेज चाहिए तो ये सेकेंड वाली यूनिवर्सिटी होती है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और थर्ड वन किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक है, यानी इसके अंदर जो जो भी स्ट्रीम्स आती है आर्ट्स के अंदर, आप वो आर्ट्स का प्रोफेशन आपको आगे जाके परस्यू करना है, तो ये थर्ड वाले ऑप्शंस टाइप की कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये तीनों के बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। भाई आपने ये तीनों तो बता दिया, पर हमको वहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है। सो बेसिक स्टेप है, सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आपने सोच लिया कि भाई मेरे को जर्मनी जाना है। जर्मनी जाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि भाई मुझे कोर्स डिसाइड करना है, क्योंकि आपने तो बता दिया 3 टाइप की कॉलेजेस होती है, लेकिन मेरे को जाना है इंजीनियरिंग में जाना है, जहाँ पे भाई मेरा प्रैक्टिकल का नहीं है, बट मेरे को जाना है इंजीनियरिंग में, जहाँ जाके मैं थियोरी पढ़ सकूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आपने कॉलेज डिसाइड करना है। कॉलेज डिसाइड करने के बाद सेकेंड होता है कि आपको कॉलेज के अंदर एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। जैसे आप एप्लीकेशन डालते हो तो कॉलेज के अंदर, अलग अलग कॉलेज में आपको एप्लीकेशन डालनी रहती है। वो एप्लीकेशन डालते टाइम के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी में कॉलेजेस में बहुत सारी जगह पे एडमिशन्स टाइम पे फीस नहीं होती है, और काफ़ी कॉलेजेस ऐसी होती है जो सिर्फ ट्यूशन्स फी लेती है और थोड़ी बहुत कॉलेज रेगुलर यूनिवर्सिटी की फ़ीस लेती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉलेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, फीस पे करने वाले कॉलेजेस में जाना है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है। इट्स अप टू यू होता है कि आपको फीस पे वाले कॉलेज में जाना है या फिर फ्री में जो एजुकेशन मिलता है उसके अंदर जाना होता है। एड ऑन एक चीज़ है कि अब जब आप प्रिपरेशन करते हो डॉक्यूमेंटेशन की, मीनवाइल आप जर्मन के क्लास भी स्टार्ट कर दो, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपको जॉब में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो जॉब के प्रॉब्लम्स इनिशियल लेवल पे आप कवर कर सकते हो। ये आपको एड ऑन पॉइंट मैंने दिया है कि आप पैरेलल ये कर दो, क्योंकि आपने डिसाइड कर ही ली है कंट्री। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन कॉलेज की एप्लीकेशन के लिए करते हो, दैट टाइम आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डालना है। आपके जितने भी मार्क्स आए हैं, जितने भी रिजल्ट्स की कॉपीज आती है, आपकी जो भी लैंग्वेज के लिए आते, वो सारे आपको डालने पड़ेंगे उसके अंदर। और उसके बाद कॉलेज में एप्लीकेशन डाल के वेट करना पड़ेगा कि कॉलेज का कन्फर्मेशन आता है, क्योंकि आपने मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई किया होगा। तो जैसे एडमिशन के लिए वो कन्फर्मेशन आता है, दैट टाइम यू हैव टू वेट, और उसी टाइम में आपको जर्मन के क्लास ज्वाइन कर देने हैं, ताकि आप इजीली वहाँ पे लैंग्वेज को समझ सको। इन सभी के साथ ये जो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, उसके साथ आपको एक और काम करना पड़ेगा, और वो काम है आपको फाइनेंस का प्रिपरेशन। जैसे आप फाइनेंस की प्रिपरेशन करते हो तो उसमें इस तरह का रहता है कि अगर आप फ्री कॉलेज के लिए भी अप्लाई करते हो या फिर पेड कॉलेज के लिए, दोनों के लिए आपको बैलेंस हो करना जरूरी होता है। अब आप पूछोगे कि भाई फ्री कॉलेज है उसके अंदर हम क्यों बैलेंस बताएं, बट बैलेंस यानी ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। ये इसका पर्पस ऐसा होता है, जैसे आपके अकाउंट में 9 से 10 लाख रुपए ब्लॉक करके आपने बैलेंस शो किया है, तो वहाँ की जो भी कंट्री की गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे रहने नहीं जा रहे हो, आप पढ़ने जा रहे हो, तो उसके हिसाब से आपका पढ़ाई के लिए जो भी एक्सेप्टेंस लेटर है या फिर आपका जो एडमिशन कंफर्मेशन लेटर है, वो सारी चीज़ें इसके बेस पे जाती है कि भाई आप कंट्री में अभी रहने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए ही जा रहे हो। सो ये बैलेंस आपको शो करना पड़ेगा। तो ये जो प्रिपरेशन चल रही है, प्रिपरेशन के अंदर ये प्रिपरेशन जब आप कन्फर्म लेवल पर होते हो तो इसकी भी ज़रूरत है।
तो ये आपको बैलेंस हो करना पड़ेगा। कोई भी कंट्री में जाते हो बैलेंस हो कंपलसरी रहता है, तो आपको ऐसा नहीं है कि बिना फीस वाली कॉलेज के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बैग भर दी प्रिपरेशन कर दी और चल दे, ऐसा नहीं होता है। हर एक कंट्री के लिए बैलेंस कंपलसरी होता है। अब ये जो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि वन बाय वन आपका जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बाद आपका लास्ट में आता है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है, कॉलेज ने बोल दिया है कि भाई हमारी कॉलेज ने आपको एडमिशन दे दिया है, सो आपके लिए तो बस बल्ले बल्ले हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, जर्मनी जाने के लिए आपकी बैकपैक रेडी करनी है, और बैकपैक रेडी करने के लिए कोई भी कंट्री में जाने के लिए बैकपैक रेडी करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए हम वीडियो ज़रूर से पोस्ट करेंगे। अगर आपको उसके बारे में और डिटेलिंग में जाना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।